मौजूद हूँ उन लोगों के साथ जो सड़क किनारे बैठ के जो है अपनी ईद मना रहे। मैं क्योंकि ईद कुर्बा है, क्या लोग गोश्त दे के जा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, किसी ने भी नहीं दिया, अभी आपने दिया है। अस्सलामु अलैकुम तमाम अहले इस्लाम को ईद-उल-अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं पूछते हैं सालिया रहमान से। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान, ईद मुबारक। आज हम जा रहे हैं सुबह से ये गोश्त तकसीम करने में लगे थे, जिन लोगों ने हिस्सा डाला व हिस्सा जो भेजे हुए हैं हमें वो तकसीम कर रहे थे, सुबह से लगे थे। अब एक पैकेट आ गया, वो भी तकसीम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बाद में मुलाकात होती है। बाबा जी, ये वो उधर एक बंदर वाला खड़ा है, ये उसको भी दे दें, इसी तरह खबर पकड़ा दें, ये उसको दे दें। शुक्रिया। तो जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और सालिया रहमान वेलफेयर को और बाज़ला ज़हरा को यूँ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनकी वजह से ये कुर्बानी हुई, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी, इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। तमाम उम्मते मुसलमा ने आज जो भी कुर्बानियाँ दी, जिस जिस जगह कुर्बानियाँ दी, अल्लाह पाक सब बहनों की, सब भाइयों की कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाए, और उनको इस चीज़ का अजर अजीम अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपकी राय का इंतज़ार, और इसी के साथ साथ अपने प्यारों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है लोगों को सपोर्ट करना, और इस सपोर्ट में हमें आप सबकी मदद चाहिए। आखिर में एक बार फिर से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।